हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही सुंदर, यूनिक और टेस्ट में दो गुनी रेसिपी लेके आई हूँ चिकन की, जिसका नाम है लेमन चिकन। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है हिमलता, चैनल जिस पर आप आए हैं एमसीपी होम क्रिएशंस। लजीज और लाजवाब और खाने में दो गुनी आपके लिए लेमन चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको, ताकि आप लोग इसके टेस्ट का मज़ा ले सकें घर में। कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगती है ये। हेलो दोस्तों, आज की डिश जो हमारी चिकन डिश है, बहुत ही टेस्टी लजीज बनने जा रही है। उसका नाम है लेमन चिकन। लेमन चिकन बनाने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा ही सामान चाहिए होता है, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप बार बार बनाएंगे इसको। इसके लिए हमें प्याज चाहिए। यहाँ हमने तीन मीडियम प्याज लिए हैं, एक ही साइज़ के हैं तीनों प्याज। तीन मीडियम प्याज लिए हैं और लहसुन लिया है, यहाँ हमने 50 ग्राम के करीब ये लहसुन है। इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लेना है और प्याज को भी हमने बारीक बारीक ग्राइंड कर लेना है। और उसके साथ लेमन चिकन बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने तीन नॉर्मल साइज़ के लेमन लिए हैं और मिर्ची यहाँ पर चार लिए हैं मैंने। बाकी आप स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं। और लेमन चिकन बनाने के लिए जो मेन इन्ग्रीडियंट चिकन है, उसको देखिए मैंने लेग लिए हैं और फुल लेग लिए हैं। यहाँ पर मैंने फुल प्रॉपर लेग लिए हैं। और इसके लिए जो मसाले चाहिए वो हमें, वो इस तरह हैं कुछ। हल्दी लेंगे हम 1/2 टीस्पून और इसमें लाल कश्मीरी मिर्च लेंगे हम 1 टीस्पून। नमक लेंगे दोस्तों स्वाद के अनुसार, जो है हमारा यहाँ पे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला लेंगे यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून। आइए बनाते हैं। सबसे पहले प्याज और लहसुन को हम ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि लेमन चिकन इस तरीके से बनाए क्विक और बहुत ही टेस्टी। आइए बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए हमने प्याज को और मिर्च को मिलाकर ग्राइंड कर लिया है। इसी तरीके से ग्राइंड करना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि जैसे मैंने बताया है रेसिपी को, हम वैसे ही बनाएंगे, तभी ये एकदम लजीज बनेगी और बार बार बनाने का मन करेगा। आप एक बार इसको बना के देखेंगे। तो प्याज को हमने ग्राइंड करना है इस तरीके से, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में। थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाला था और जो लहसुन है यहाँ पर, उसको हमने कूटा है, आप देख सकते हैं उसको हमने कूटा है। क्योंकि जब कूटते हैं हम लहसुन को, तो इसका जो टेस्ट है, लहसुन की खुशबू है, तड़के लगाने के बाद भी खाने तक बनी रहती है, इसलिए हमने इसको कूटा है। और चिकन में लहसुन की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हम यहाँ पर जो हमारे लेग्स हैं, इसमें हम कट लगा लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा इसमें हम पीसेस में कट डाल देंगे, देख रहे हैं आप हम, ताकि इसमें मसाला जो है सारा अंदर तक चला जाए। इस तरीके से हमने इसमें, क्योंकि ये फुल लेग पीस है दोस्तों, बड़े वाला लेग पीस है ये, दोनों साइड से हमने इसमें। आइए दोस्तों, अब हम इसको बनाने के प्रोसेस में हैं, बनाते हैं। गैस को हमने लो टू मीडियम आंच पर रख दिया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच और इसमें हम डालेंगे लहसुन को। सबसे पहले उसको थोड़ा सा लाल कर लेंगे हम। बहुत ज़्यादा इसमें हम ऑयल नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि चिकन जो है वो भी अपना ऑयल छोड़ता है। इसी टाइमिंग में अपने मसालों को डाल देंगे जो हमने लिए थे। मसालों को दोस्तों घी में ही हम डालेंगे, ऑयल में ही हम डालेंगे,
क्योंकि इस ऑयल में पकाने से ये एक कलर छोड़ते हैं जो बहुत ही सुंदर आता है। लहसुन हमारा हो चुका है, इसमें हम अपनी प्याज को डालेंगे या भूनेंगे जो हमने ग्राइंड की हुई थी। और इसी टाइमिंग में जब ये प्याज एक लिक्विड शेप में है, लिक्विड मोड में है, ये देखिए, तभी हम इसमें अपना चिकन डालेंगे। क्योंकि हम लेमन चिकन बना रहे हैं दोस्तों, तो लेमन चिकन जो होता है उसके ऊपर सारा मसाला सारा उसके ऊपर ही लगा होता है। ये हम ड्राई लेमन चिकन बना रहे हैं, तो इसमें हम इसी मोड पर जब प्याज थोड़ा सा लिक्विड शेप में है तभी हम इसमें चिकन को अपने जो हमने ये कट्स लगाए हैं इसमें ये तभी अच्छे से ऑब्जर्व होगी। देखिए जैसे ये उबाल आ रहे हैं इसके ऊपर, ये उबाल धीरे धीरे आते आते ये सारा मसाला इसी के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। बिल्कुल इसको सिम कर देंगे, आंच को बिल्कुल लो कर देंगे दोस्तों हम, और इसको हम ढककर पकाएंगे ताकि ये पक भी जाए और इस सारा मसाला इसके अंदर समा जाए। तो आइए हम इसको ढक देते हैं और इसको हम 10 मिनट के बाद खोल कर देखेंगे और इनको पलटेंगे। तो चेक करते हैं रेसिपी को। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सारा मसाला इस चिकन लेग पर आ जाएगा, आपके सामने है पूरा मसाला लेग पर आ चुका है, ये बिल्कुल तैयार है दोस्तों, बहुत ही डिलीशियस, खाने में लाजवाब। आप इसको बनाएंगे और खाएंगे आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इस तरीके का चिकन आप बना कर देखिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा। अब हम इसको सर्व करते हैं, सर्विंग देखिए आइए किस तरीके से करनी है आपको। लेमन चिकन बनकर तैयार है दोस्तों, इसको गार्निश करेंगे लेमन के साथ। बनके तैयार है, ये लेमन हमने काटा है, इसके ऊपर निचोड़ेंगे हम इसको अच्छे से। सारा लेमन हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे इसी तरीके से। आइए इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कि कैसा बना है। ये बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास बना है।